तो यार गाइस, जिससे आप 960 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो स्लो मोशन में, और साथ में आप साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हो स्लो मोशन में। तो आज कैमरा रिव्यू होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी F41 का, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलो इंट्रो। फर्स्ट शॉट में आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने कुछ पत्तों का फोटो लिया, और ये पत्ते का कलर जो है सो बिल्कुल अच्छे से मेंटेन किया गया है, बिल्कुल ग्रीन कलर का है, और बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी अच्छे से हुआ है और बहुत ही नेचुरल देखने को मिल रहा है कलर्स। अब अगर आप नेक्स्ट सैम्पल शॉट पर भी ध्यान देंगे तो ये एक पोर्ट्रेट शॉट है, और इस पर आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे से ब्लर किया गया है और एजेस को काफ़ी प्रॉपरली डिटेक्ट किया गया है, और कलर भी जो है सो अच्छे से मेंटेन्ड है, और हाइलाइट्स भी अच्छे से मेंटेन किए गए हैं। इस सैम्पल शॉट में भी आप देख सकते हैं कि जो मेन सब्जेक्ट का कलर है ग्रीन, वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है, और जो टेबल का एक्चुअल पिंक कलर है वो भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है, और बैकग्राउंड को शेडेड भी काफ़ी अच्छे से हाइलाइटेड किया गया है। तो ये शॉट भी काफ़ी अच्छा है। अब आप नेक्स्ट शॉट देखेंगे तो ये मैंने 48 मेगापिक्सल में कैप्चर किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि गेट्स के कलर और डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छा है, मेन सब्जेक्ट पर भी काफ़ी अच्छे से फोकस किया गया है, और जो हाइलाइट्स है वो भी काफ़ी अच्छे से निकल के आए हैं। इस सैम्पल शॉट में भी आप देख सकते हैं, इसी 48 मेगापिक्सल से मैंने कैप्चर किया है। तो ये शॉट भी मैंने 48 मेगापिक्सल से कैप्चर किया है। तो आप स्काई के कलर भी देख सकते हैं, स्काई के कलर भी वेल मेंटेन्ड है, और सारे हाउसेस कलर भी वेल मेंटेन्ड है। और इसी को अगर मैं डायनेमिक रेंज की बात करूँ तो आप वाइड एंगल भी देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट सैम्पल शॉट में आपको वाइड एंगल दिखा देता हूँ। तो ये रहा वाइड एंगल, तो वाइड एंगल में भी डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छा है, और स्काई के कलर्स वगैरह अच्छे से मेंटेन किए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आप इस सैम्पल शॉट में भी देख सकते हैं, ये नॉर्मल शॉट है, और इसके बाद हम वाइड एंगल लगा देते हैं। तो ये रहा वाइड एंगल, और इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन किया गया है, हालांकि कलर में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है नेक्स्ट टाइम जब हम लोग वाइड एंगल शॉट्स लेते हैं। और इस पर भी आप देख सकते हैं, इसमें मैंने 48 मेगापिक्सल में कैप्चर किया था, तो जो एक्चुअल कलर है गिटार का वो भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है, और जो टेबल का कलर है वो भी अच्छे से मेंटेन किया गया है। तो फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा में भी आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल सब्जेक्ट का कलर है उसमें अच्छे से फोकस हो रहा है, और ब्राइटनेस भी काफ़ी ठीक है, हालांकि डायनेमिक रेंज में थोड़ा सा इशू लगा मुझे, मतलब थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट ओवरऑल प्राइस को कंसिडर करते हुए बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं ये सैम्पल शॉट भी। तो यार गाइस, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ठोकना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।